तो भाई ये फाइनली हमने ये वाली पतंग भी इससे बढ़ा दिया और हवा चल गई थी इसलिए भाई ये बढ़ चुकी। हेलो दोस्तों, तो भाई आज हम उड़ाने वाले हैं पतंग। और देखो भाई आज पतंग किससे उड़ाएंगे, आज इससे उड़ा के ट्राई करेंगे हम। आज इससे पतंग उड़ेगी या नहीं, और ये रस्सी है भाई कपड़े वपड़े बांधने वाली, ठीक है, कोई प्लास्टिक व्लास्टिक का बन जानी है, ये देख लो, ठीक है। और भाई यहाँ पे पतंगें पड़ी है हमारी, पहले देखते हैं कौन सी पतंग उड़ाएंगे। और ये फॉइल पेपर भाई मैंने सोचा है इस पे थोड़ा डिजाइन विजाइन बना देंगे आंखें वाखे इस पतंग की। पहले ये वाली पतंग है हमारे पास तावा, और ये जो घर में बड़ी वाली तावा बनाई थी ये वाली है, ठीक है। और एक ये वाली है जिसपे हमने डिजाइन बनाया था, मतलब रावण बनाया था, ठीक है भाई। ये वाली देख लो, ये इससे कितनी नीचे ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। और भाई ये जो हम ये वाली उड़ाते हैं मंजोली, वो वाली है, ये देखो ये कितनी छोटी है और ये वाली कितनी बढ़िया है ना भाई। और एक ये वाली है, इसे भी उड़ा के देखेंगे और भाई ट्राई करेंगे अलग अलग पतंग उड़ा के देखने की इससे कौन कौन सी पतंग उड़ जाएगी और कौन कौन सी पतंग नहीं उड़ेगी। तो सबसे पहले भाई सोच रहा हूँ मैं, पता नहीं कौन सी उड़ाऊँ, ठीक है, ये उड़ाऊँ या ये उड़ाऊँ या ये उड़ाऊँ, ये सोच रहा हूँ। या दोस्तों भाई सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ ये वाली पतंग उड़ा लूँ, ये वाली तावा पतंग है, ठीक है भाई। और इस वाली से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी पतंग है और इस वाली को उड़ाते हैं। ये देखो मंजोली से कितनी बड़ी पतंग है, सबसे पहले उड़ाता हूँ मैं इस वाली को, उड़ा के देखता हूँ उड़ती है यानी, पहले सबसे छोटी उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद देखते हैं ये वाली उड़ेंगे ये वाली उड़ाएंगे, मगर सारी पतंगें उड़ा के ट्राई करेंगे उससे कौन कौन सी उड़ती है कौन कौन सी नहीं उड़ती, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले उड़ा रहे हैं ये वाली भाई, बांध रहे हैं इसे, हम इससे बांधते हैं, देखो ये भाई ये कपड़े वपड़े बांध देते हैं हम तो इससे छत पे, मतलब कपड़े सुखा देते हैं। और दोस्तों इसे मैं बांध रहा हूँ और उड़ा के देखते हैं। आज हवा थोड़ी ठीक चल रही है, कल तो भाई बिल्कुल भी हवा नहीं थी, मतलब परसों, ठीक है, आज हवा ठीक है थोड़ी। और ये मैंने इसमें बांध ली है और सबसे पहले भाई उड़ाते हैं ये वाली पतंग। और रावण का डिजाइन बना पड़ा है इस पर, देख लो कितनी बढ़िया लगती है वाली पतंग। और भाई इससे उड़ाएंगे तो कहीं नहीं जाएगी। और भाई ये मैं ट्राई कर रहा हूँ बस उड़ा के, उड़ती है या नहीं उड़ती इससे, वैसे मैं पतंग पतंग उड़ाने नहीं वाला इससे। और भाई ये पतंग इससे उड़ गई। और भाई मैं आपको दिखाऊंगा इसकी डोर वो लटकती है या नहीं लटकती, क्या होता है, ठीक है, उससे उड़ा के। और देख लो भाई अभी अभी तो कुछ कुछ ऐसी उड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उड़ी है क्योंकि ये पतंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखो ये कैसे उड़ रही है, और यहाँ पे गांठ लग चुकी है, इसे पहले मैं खोलता हूँ उसके बाद और बढ़ाता हूँ इसे कट, और देखते हैं इससे उड़ा के ये लटकेगी या बढ़िया उड़ेगी इससे पतंग। और भाई ये तावा पतंग है इसलिए इतनी प्यार से उड़ गई है इससे। दोस्तों देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया उड़ रही है इससे, और मैं अभी इसे और बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा हैवी हो रही है। और देखो भाई ये हमारी रावण वाली पतंग दोबारा से बढ़ चुकी है। और भाई मैं इसे और बढ़ा के देखता हूँ कितनी बढ़ जाएगी और कितनी दूर तक बढ़ेगी तो इसकी डोर नहीं लटकेगी, ठीक है। और मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, और भाई थोड़ी हवा और चले तो भाई ये थोड़ी और बढ़े। और दोस्तों ये दोबारा बढ़ने लग गई है थोड़ी, देखो भाई अभी तो डोर इतनी ज़्यादा नीचे नहीं लटक रही, डोर अभी टनी हुई है। और भाई मैं आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके दिखा रहा हूँ ये, ठीक है, कि भाई उड़ती है या नहीं उड़ती इससे पतंग, और उड़ती है तो कैसे लटकती है। और भाई सोचो अगर इससे किसी कोई बंदा पेच करने आ गया तो उसकी तो पतंग ही आ जाएगी हमारे पास ही, मगर भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई बंदा तेज गीज में खींच मारे तो कट जाए हमारी। और देख लो भाई इतनी बढ़ चुकी है, ठीक है, और ये लटक रही है नीचे तो हाथ में ना भाई, ये बिल्कुल भी नहीं चुभ रही है, जैसे मंजा चुभता है ना वैसे बिल्कुल भी नहीं चुभ रही, और हाथ वाथ भी बिल्कुल भी नहीं कट रहा इससे, इससे ज़्यादा शायद ही बढ़ेगी ये। और हवा थोड़ी और तगड़ी होगी तो और ज़्यादा बढ़ाएंगे इसे, मतलब बढ़ा ही रहे हैं अभी। देखो दोस्तों अब ये देखो इसकी डोर हो रही है भाई अब हैवी, क्योंकि हवा नहीं है इतनी तेज, ठीक है, देख लो भाई ऐसी कुछ कुछ उड़ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी बढ़ा के आपको दिखा सकूँ दिखाऊँ कि कितनी बढ़ सकती है इससे, ज़्यादा बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी या घर के पास तक ही रहेगी बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। और देखो ये कैसे लटक रही है भाई, कुछ ज़्यादा ही लटक रही है, कुछ ज़्यादा ही एकदम, देखो भाई कितनी गंदी तरह लटक रही है ये, देख रहे हो। और आवाज़ देखो कितनी तेज़ आ रही है पतंग की, यहाँ तक आ रही है पतंग, काफ़ी दूर हो गई अब मेरे से, इतनी बढ़ जाए उतनी अच्छी है, देखो कैसे घूम रही है। और भाई अब ये देखो पूरी लटक रही है, डोर दिखाओ जूम करके डोर दिखाओ दोस्तों, देखो डोर इसकी कितनी हालत खाली हो चुका है, गट्टा ये देखो डील कैसे आ रही है इसमें से, देख रहे हो कितना खाली हो चुका है। और अब देखो दोस्तों अब पता चलेगा ये इतनी बढ़ चुकी है, ठीक है। और भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा रहा इसे, क्योंकि देखो डोर मेरी पूरी लटक रही है, डोर दिखाओ कहाँ जा रही है और पतंग देखो कहाँ जा रही है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं इसमें आपको खींच मार के दिखाता हूँ खींच कैसी लग रही है इसमें, ये देखो भाई खींच मार के दिखाता हूँ मैं आपको इसमें कैसी लग रही है खींच, ये देखो डोर कहाँ लटक रही है, ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा इसलिए मैं इसे नहीं बढ़ा रहा। और देखो मैं खींच मार के दिखाता हूँ इसमें कैसी चल रही है खींच में इस डोर से, और भाई नीचे ही खींच तो मैं मारूंगा नहीं ऊपर की मारूंगा क्योंकि डोर नीचे लटक रही है, ये देखो भाई ऐसी चल रही है, देखो ये यूं डोर यूं हुई पड़ी है भाई, ठीक है।
और ये देखो मैं खैच मार के दिखा रहा हूँ इसे, ये देखो कैसी खैच लग रही है इसमें, और साइड की खैच मार के देखता हूँ मैं भाई, ये देखो भाई चील भी आ गई, मगर चील अपने रास्ते जा रही है और हम अपनी पतंग उड़ा रहे हैं, ये देखो भाई कैसे उड़ रही है, ठीक है। और डोर पतंग से काफ़ी ज़्यादा हैवी उड़ पड़ी है, साफ साफ चल रहा है, ये देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया उड़ रही है यहाँ पर आके पतंग, और भाई काफ़ी दूर है, ये देखो सही दूर बढ़ गई भाई इससे भी, ये देखो खैच में कैसी चल रही है, खैच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है भाई, हाथ वाथ कुछ भी नहीं कट रहा इस वाली डोर से, ठीक है। ऐसे उड़ाने के लिए ठीक है भाई, पेचे वेचे करने के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे उड़ाएंगे, ये देखो उतर चुकी है ऑलमोस्ट, अब काफ़ी तेज हवा चल रही है, एक बार थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं दोबारा से ऑलमोस्ट, ये देखो भाई पूरी इससे उड़ रही थी, बस करने इसके सर्दी से बंदे पड़े, मगर यहाँ पे अलबेटे आ गई, आ गया हो ये देखो दोस्तों बस यहाँ पे। तो भाई दोस्तों अभी इस वाली पतंग को दोबारा से उड़ाने लग रहे हैं, और अब की बार देखते हैं भाई उड़ेगी या नहीं उड़ेगी, और ये काफ़ी ज़्यादा डोर हैवी हो रही है भाई, है ना, जिस करके ये पतंगे, और भाई ये वाली शायद उड़ चुकी है, इससे शायद ये उड़ जाएगी। और दोस्तों आज थोड़ा आसमान भाई खुला पड़ा है, वरना तो धुआं ही धुआं दिख रहा था बस आसमान में, और कुछ भी नहीं दिख रहा था, आज थोड़ा आसमान खुला पड़ा है जिससे कि अच्छा लग रहा है, देख देखो भाई अब थोड़ी बहुत हवा में लग रही है। और भाई इस वाली पतंग का ना कलर पूरा पूरा उड़ चुका है, ये पतंग भी उड़ चुकी है और इसका कलर भी पूरा उड़ चुका है, आपने जब ये शुरू वाली वीडियो में देखी होगी, जब ये पतंग ली थी हमने, जब कितने यार डार्क डार्क इसके कलर थे, और अब देखना कैसे हो गए इसके कलर, है ना भाई। और अब ये देखो आसमान देखो आज ऊपर कितना बढ़िया, और पतंग उड़ती हुई कितनी बढ़िया लग रही है इस वाले आसमान में। और दोस्तों अब ये उड़ चुकी है भाई हवा में, अब ये लग चुकी है, और देखो बढ़िया उड़ रही है इस वाली डोर से, और मैं जितनी हो सके ये देखो नीचे इतना उतरा पड़ा है ना, इसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा, इतनी बढ़ जाए जितनी काली वाली बड़ी थी, या देखते हैं इससे ज़्यादा बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती है। और दोस्तों सही उड़ रही है, मगर ये है कि भाई डोर कहीं और जा रही है, पतंग कहीं और जा रही है, लटक रही है, ठीक है। देखो डोर कहाँ लटक रही है, पतंग कहाँ जा रही है इसकी कट। तो दोस्तों भाई ये देखो ये वाली पतंग भाई, ये जो काली वाली हमने वो उड़ाई थी ना तावा वाली पतंग भाई, उससे हल्की है ये, मतलब कि ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा डोर नहीं झेल पा रही, और मैंने ये पूरी बढ़ाने की कोशिश करी भाई, बढ़ नहीं पा रही है, और इसमें ज़्यादा डोर लटक रही है, ठीक है, उसमें इतनी नहीं लटक रही थी, मगर इसमें ज़्यादा लटक रही है। और हवा का भी फर्क हो सकता है भाई, उसके टाइम पर हवा थोड़ी ज़्यादा चल रही हो, इसके टाइम पर थोड़ी हवा कम चल रही हो, और भाई इसे मैंने बढ़ा के देखा मगर उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितनी काली वाली बड़ी थी, ठीक है दोस्तों। और ये इतनी बड़ी है, और देख लो भाई इतनी उड़ जाएगी ये वाली, ठीक है। और अभी तो इसकी क्या बोलते हैं ये जो ये थी डोर नीचे लटक गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे उड़ रही है, और ज़रा सा ध्यान नहीं गया था इस पर, पूरी नीचे लटक गई थी, तो भाई ये ऐसी उड़ रही है। इसकी डोर देखो कहाँ जा रही है, और पतंग देखो कहाँ जा रही है, डोर दिखाओ जूम करके कहाँ पे, और पतंग देखो कहाँ पे, हैच मार के दिखाता हूँ आपको इसमें वाली में कैसी लग रही है, ये देखो। तो भाई ये फाइनली हमने ये वाली पतंग भी इससे बढ़ा दिया, और हवा चल गई थी इसलिए भाई ये बढ़ चुकी है, और देखो सबसे पहली पतंग यही वाली उड़ा रहे हैं हम, ठीक है। और ये देखो इससे देखते हैं भाई कितनी डोर लटकेगी या फिर नहीं लटकेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही हैवी पतंग है, ठीक है दोस्तों। और इससे बढ़ा रहा हूँ मैं भाई जितनी बढ़ सकती है, और देखो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है उड़ते हुए, हो सकता है भाई इतनी ज़्यादा ना लटके, जितनी ज़्यादा उन दोनों से लटक रही थी। और देखो मैं फुल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इसे, और अब ये बढ़ रही है भाई, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनतों के बाद बढ़ी है भाई। और ये मैं ऊपर करता हूँ इसे, और दोबारा से बढ़ाता हूँ इसे, ज़्यादा प्यारी लग रही है ये पतंग, दिखाओ देखो डोर कहाँ उड़ रही है, पतंग कहाँ उड़ रही है इसकी भी, और ये वाली पतंग भाई उड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है दोस्तों। भाई देखो ये वाली पतंग कैसी उड़ रही है, और भाई ये ऐसी उड़ रही है, डोर इसकी नीचे है काफ़ी ज़्यादा और पतंग ऊपर है, और देखो मैंने ये सारी बढ़ा दिया, जो जितना भी यहाँ पे उतरा पड़ा था ना उन वाली पतंगों से जितनी बड़ी थी भाई उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है ये वाली पतंग, ठीक है दोस्तों। और ये मैं ऐसे उड़ा रहा हूँ भाई, ये देख लो कितनी बेहतरीन उड़ रही है। और दोस्तों ये वाली और जो ये वाली पतंग थी ना इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है ये देखो, ये वाली इतनी नहीं बढ़ पाई थी, मगर उससे ज़्यादा मैंने इस वाली पतंग से बढ़ा दिया, मगर ये है कि भाई इसमें भी डोर लटक रही है, ये देखो कितनी ज़्यादा लटक रही है, और ये भी पतंग ऐसे उड़ रही है। बाकी इस वाली पतंग को उड़ाता हूँ ना भाई, मज़े आ जाते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ऑल पर कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वाली पतंग देख लो भाई ऐसी उड़ रही है कुछ कुछ, और मैं आपको एक बार उतार के दिखा देता हूँ इसे, और उसके बाद दोस्तों वीडियो एंड करते हैं। ये देखो ये घूमने लग गई भाई, अब घूमती है ना डिसबैलेंस हो जाती है, इसलिए मैं इसे खड़ी खड़ी उड़ाता हूँ, और मैं इसे अब उतार रहा हूँ। देखो दोस्तों ओ ओ गिर रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी में गिर रही है, और मैं आपको उतार के भी इसको एक बार दिखाई देता हूँ। देखो तेज खैच मार रहा हूँ, और भाई ये डर सा लग रहा है पतंग, देखो पतंग देखो 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 कैसे जा रही है दोस्तों। धीरे धीरे खैच मार रहा हूँ मैं थोड़ी, क्योंकि डिसबैलेंस हो रही है तेज़ खैच मारने पर। देखो अब मैं ऐसे धीरे धीरे खैच मार रहा हूँ, ऐसे उतार के मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मेरे सर के ऊपर है बिल्कुल। देखो भाई अभी मैंने पूरी उतार ली और जाते ही खैच नहीं मार रहा मैं इसमें, और ये उतर चुकी है लगभग। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी इससे ही उड़ा रहा था भाई मैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं लगा रखा मैंने, और ये कुछ ऐसे उड़ रही है भाई, इसने पूरी डोर अबे देखो, और भाई ये घूमे जा रही है, और मैं थोड़ी तेज़ी में खैच मार के उतारता हूँ इसे, और उधर को ही जाए जा रही है। और दोस्तों ये लगभग आ चुकी है, ये देखो, ठीक है दोस्तों, और भाई ये आ गई, ये आ गई और ये आ गए दोस्तों। देखो इस पर हाथ छपा पड़ा है पतंग पे, और दोस्तों आज इनने उड़ के दिखा दिया, आज भी कम हवा में भी थोड़ी कम हवा थी आज, मगर फिर भी इनने उड़ के दिखा दिया, काफ़ी बढ़िया उड़ी है। और दोस्तों मैं तीनों पतंगे आपको उड़ा के दिखा दी भाई, ठीक है, और आपको कौन सी सबसे बढ़िया लगी ये भी कमेंट करके बताना। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।